होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, और आपको बता दूं कि आप एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, बस ये पढ़ लो लास्ट 40 डेज़, ठीक है। और बताऊंगा कि इसमें 40 दिन लिखे क्यों हैं, इसका रीज़न है क्योंकि 40 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 5 टॉपिक्स बताऊँगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो स्टडी प्लान, टाइम टेबल सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए कंपटीशन कितना है। तो भैया पहले कंपटीशन देख लो, 5.7 मिलियन एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल करे हैं। 5.7 मिलियन का मतलब है 57 लाख। तो आप देख सकते हो 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 57 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करे हैं, और वैकेंसी सिर्फ 10,000 निकली थी। तो आप देख सकते हो काफ़ी कंपटीशन हार्ड होने वाला है, ठीक है। सो द कंपटीशन इज़ वेरी हार्ड, और अगर कंपटीशन हार्ड है तो मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। तो आपको बता दूं जो नोटिस अभी निकला है वो 30 सितंबर से 14 सितंबर तक आपके कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आपके पास कुल मिला के अभी 40 दिन है, ठीक है। और मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा मुझे काम पड़ गया था, तो फाइनली वो काम ख़त्म कर चुके हैं। तो आपके लिए अब कंटिन्यूसली वीडियो आएंगी, ठीक है, स्टडी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स की मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQs की, वो हम डिस्कस बाद में करते हैं। आपको बताते हैं प्लेलिस्ट के बारे में भी, कहाँ से आप अच्छे से क्वालिटी कॉन्टेंट पढ़ सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है बाय द SSC नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपके कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। ये SSC की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, मैं नोटिस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको मैं टू द पॉइंट आपको उस नोटिस का निचोड़ दे रहा हूँ कि 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि 57 लाख बच्चों ने पेपर दिए, फॉर्म फिल करा, सॉरी, और इन सभी के पेपर एक दिन में नहीं करवाए जा सकते, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें ये टाइम को, इस जो डेट है, इनको यूज़ करना पड़ रहा है। तो आगे बात करते हैं। अब ये देखो, ये पैटर्न होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है क्यों से। तो मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, पर टोटल 60 मार्क्स होंगे। अब इधर फोकस करना है कि इन्हें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई, नो नीड टू द हाईएस्ट स्कोर। इसमें से हमें हाईएस्ट स्कोर नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेरिट इनमें से बनेगी नहीं। तो आपको बता दो 45 मिनट का टाइम होगा आपके पास, ये होता है सेक्शन ए, ठीक है, आई होप को दिख रहा होगा, ये सिर्फ इतना आपका सेक्शन ए है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का पेपर होगा, 45 मिनट आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आप देख सकते हो नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको आता होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं GK और इंग्लिश की। तो GK में टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 25 3 75 होता है, 75 नंबर बन गए। और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे सेम 3 मार्क्स के, 25 3 75। तो डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक है। देखो बच्चों, 45 नंबर का सेक्शन बी भी है, 45 नंबर का सेक्शन बी भी है, मगर इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन करा, ठीक, 3 नंबर का, और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो जो सही क्वेश्चन है उसमें से आपका 1 नंबर कम होगा, यानी कि आपके टोटल 2 नंबर बनेंगे, इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। क्लियर होगी बात, एक बार फिर से समझाता हूँ। आपने क्वेश्चन ठीक करा, 3 नंबर का आपको मिल गए, और आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वो तो गलत हो ही गया है, मगर जो आपने सही किया है उसमें से आपका 1 नंबर कट होगा, उसे बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और आपको इसमें हाईएस्ट स्कोर करना है, ठीक है, सेक्शन बी में आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, ये आपको दिमाग में रखना कि आपको इसमें हाईएस्ट स्कोर करना है, इसी से मेरिट बनेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बच्चों देखो, GK की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो स्पेशली SSC DSSSB और RPF के लिए बनी हुई है, ठीक है। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC में ही इतने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही पूछे जाते हैं, बस उन्हें थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है, बस उन्हें थोड़ा घुमा दिया जाता है ताकि जो बच्चा कैंडिडेट पेपर देने आया है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। तो आपको बता दूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो SSC MTS के ऊपर बिल्कुल डेडिकेटेड है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का नाम है SSC DSSSB RPF। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। GK की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने सारे PYQ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप वो फॉलो कर लोगे, तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को देख लिया तो, ठीक है। और आपको बता दूं, आपको प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी होगी, और ज़्यादा रिवीजन आप GK और इंग्लिश की करना, क्योंकि इन्हीं में से मेरिट बनेगी, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं इंग्लिश के लिए। आपको बेटा डेली 40 सिनोनिम्स करने हैं, 40 एंटोनिम्स करने हैं, क्योंकि देखो 40 डेज़ के अंदर कम से कम आपको 600 सिनोनिम्स, 600 एंटोनिम्स, 600 वन वर्ड फॉर मैनी आने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है 5.7 मिलियन, ठीक है, तो नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसा नहीं कि इनमें से सभी टाइम पास वाले बच्चे होंगे जो उन्होंने नाम के लिए फॉर्म फिल किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है बेरोज़गारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स सीरियसली पढ़ाई करते हैं, तो आप भी उनमें से एक बनो, अच्छे से पढ़ाई करो। 600 याद करना 45 डेज़ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजली कर लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। और ये सारे के सारे मैं अभी अपने चैनल में डालूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल ऑल पे क्लिक करके सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। और बता दूं बार कि अब से मैं रेगुलर क्लासेस डालूंगा, ठीक है, बीच में मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं पढ़ पा रही थी क्लासेस, अब से मैं SSC MTS के ऊपर रेगुलर क्लासेस डालूंगा, वो क्वेश्चंस डालूंगा जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, ठीक है, वो चीज़ें डालूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट यूज़फुल हैं चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लेना, ठीक है, आपका काम आने वाला है। और इंग्लिश के मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप जाओ तो उसे चेक कर सकते हो, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और स्टडी अब से रेगुलर करना चालू कर दो आप, ठीक है, स्टडी रेगुलर करना चालू कर दो, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि रेगुलर आपने पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपकी कंसिस्टेंसी हट गई तो आप गए काम से, ठीक है। अगर आप डेली 40 भी करोगे ना, 4 × 3 = 12, ठीक है, तीन दिन के अंदर आपका 120 हो गया और 30 दिन के अंदर 1200 हो गया, आपने 1200 सिनोनिम्स कर लिए। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको 30 सिनोनिम्स याद करने के लिए कितना टाइम लगेगा वही बता देता हूं, हार्डली 2 घंटे। अगर आपने 2 घंटे दे दिए, अगर आप बहुत ही नलायक हो, आपने 2 घंटे दे दिए, आपको डेली के आपको 1200 सिनोनिम्स याद हो गए। और ऐसा नहीं कि ये जो 1200 सिनोनिम्स आपने याद करिए ये आपको सिर्फ MTS में ही काम देंगे, नहीं जी, ये आपको MTS में भी काम देंगे, CHSL में भी काम देंगे, CGL में भी काम देंगे, और उसके बाद DSSSB में भी काम देंगे, RPF में भी काम देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको रेलवे में भी काम देंगे। तो भैया ऐसा नहीं है कि आपको जो आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ इसी में आएगा, सब में आएगा, वो सब में आएगा। ये जितने मैंने एग्ज़ाम्स लिखे हैं ना, ये जितने सारे बढ़िया एग्ज़ाम हैं, बढ़िया लेवल के, सेंट्रल लेवल की जॉब्स हैं सब में। तो अगर आप 1200 याद करो सिर्फ इसमें नहीं, आपको हर चीज़ में हेल्प मिलेगी, तो रेडी हो, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता मैं, क्योंकि पता नहीं कि मैं वीडियो सोचता हूँ कि 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ, आपको समझाते समझाते ना 7-8 मिनट की बनी जाती है। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट में आप लिख देना, ठीक है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन आप ही के लिए मैंने खोला हुआ है, ठीक है, कमेंट में पूछो, कुछ भी पूछना है आपने, ठीक है, कमेंट करो और पूछो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आपको दूंगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ये एक ऐसा चैनल मैं बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें आपको ना जो भी चीज़ देखने को मिलेगी ना सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, मौज काटो, ठीक है, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सरकारी नौकरी पकड़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो, और तुम भी बढ़िया से इन्जॉय करो, बाय एवरीबॉडी।